गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अमृतसरी छोले। आज हम वही बनाएंगे। इसके लिए मैंने रात भर छोलों को फोम करके रख दिया था, जो 200 ग्राम के करीब है, और इसके अंदर भीगने लायक पानी डाला है। इसमें मैंने पोटली बनाई है पत्ती की, चाय पत्ती की। आपके पास टी बैग हो तो 2 टी बैग आप डाल सकते हैं। इसमें डाल दूंगी और 1 तेज पत्ता डाल दूंगी, 1 दालचीनी 1 इंच की, 1 मोटी इलायची और 2 लौंग। अब इसको तेज फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद सिर पे कर देंगे। 30 से 35 मिनट में ये गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और छोले बॉईल हो चुके हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। 35 मिनट इसको मैंने बॉईल किया है। 1 सीटी आने के बाद 35 मिनट सिम पर पका लिया। देखिए ये ऐसे हो जाने चाहिए बिल्कुल, जो दब रहे हो हाथों से। तो फिर अब ये जो इसमें हमने पोटली बनाई थी, ये पोटली अलग कर लेंगे पत्ती की, और जो भी हमने इसमें सूखे मसाले डाले थे वो भी अलग कर लेंगे। अब उसका यूज इसमें नहीं है। अमृतसरी छोले बनाने के लिए जिन मसालों का यूज करेंगे वो ये है। इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे और 1 बड़ा चम्मच अनारदाना लेंगे, और 1 छोटा चम्मच ही मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें छोले मसाला लिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च ली है, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सूखा धनिया लिया है, और घर में कुटा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में घी गर्म करेंगे। दो बड़े चम्मच के करीब घी डालेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के यूज किया है। अब इसी के अंदर घी जल्दी गर्म हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि फ्लेम सिंपल ही रखें। अब इसके अंदर जीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, और अजवाइन जैसे ही चटकने लगे तो उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब ये खुशबू आने लगे इसके अंदर, तब इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन तक हमने इसको भूनना है। अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी टाइम पर हम इसके अंदर
चार पीसे हुए टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज के, वो इसमें डालेंगे। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह और फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अनारदाना डालेंगे। उसके बाद हम इसमें घर में कुटा हुआ गरम मसाला, छोले मसाला। छोले मसाला मैंने छोटा चम्मच लिया। सूखा धनिया, लाल मिर्च, और ये बाद में डालेंगे। थोड़ा सा हमने रखा है गरम मसाला। तेल छोड़ने तक इसको पकाएंगे। देखिए अब ये मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर उबले छोले ऐड करेंगे। और इसी टाइम पे नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही रखिएगा। आपको जैसा भी गाढ़ा रखना हो या आपको दरी वाला रखना हो थोड़ा, तो आप वैसे देख सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल ठीक है। अब ये जब तक इसमें थोड़ा उबाल आता है तब तक हम पनीर काट लेते हैं छोटा छोटा। इसमें मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब इसमें उबाल आना है लगाए। अब इसी टाइम पर हम इसमें पनीर जो छोटे छोटे काटे थे वो ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो गरम मसाला हमने थोड़ा बचाया है वो डालेंगे। साथ में भुना हुआ जीरा और कसूरी मेथी को ऐसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे। इसे भी हिला लेंगे। अच्छी तरह हिलाइएगा और एक दो मिनट के लिए ढक दीजिएगा सिम करके। ये हो गए हैं तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी। दूसरी साइड मैं एक चम्मच घी होगी और
इसके अंदर ये मैंने दो हरी मिर्ची ली थी लंबी लंबी काट के, और लंबाई मैंने अदरक को काट लिया था पतला पतला करके। इसका तड़का हम इसमें देंगे। ये देखिए, ये तड़का इसलिए रेडी करते हैं क्योंकि ये हम गार्निश करते हैं और स्वाद को एकदम बढ़ा देता है। जब आप देसी घी का तड़का ऊपर से देंगे तो एकदम स्वाद बढ़ता रहेगा। धनिया पत्ता डालेंगे गार्निश के लिए। देखिए गाइस, दिस इज माय फाइनल प्रिपरेशन, और ये इतने यम्मी बनते हैं, आप भी घर में जरूर ट्राई करें और सबको खिलाएं और फिर मुझे बताएं कैसा लगा। और ये बात मुझे बताने के लिए आपको पता है क्या करना है, कमेंट्स करनी है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।